नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौड़ यानी नदीम श्रवण एक ऐसी म्यूजिक कंपोजर जोड़े जिन्होंने 1990 से अर्ली 2000 तक बेशुमार फिल्म्स का म्यूजिक दिया और ना सिर्फ फिल्म्स को अपनी धुनों से यादगार बनाया बल्कि आज भी वो हम में से कईयों की खास यादों का खास हिस्सा है। आज इनकी 1991 की फिल्म साजन से एक गीत का किस्सा सुनाने वाली हूँ जो फिल्म में था ही नहीं। फिल्म रिलीज पर थी जब ये गाना फिल्म में डाला गया। ये कौन सा गाना था और ऐसा क्यों हुआ आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। ये किस्सा साजन फिल्म के गीतकार समीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। फिल्म साजन पूरी बन चुकी थी, म्यूजिक फाइनल हो चुका था। समीर कहते हैं, मैंने नदीम को बार बार कहा कि भाई इसमें ना टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, उसकी कमी है। नदीम बोले, अब फिल्म खत्म हो गई है, अब कैसे होगा। ये तीनों यानी समीर साहब, नदीम, श्रवण कहीं खाना खा रहे थे कि समीर ने कहा, एक लाइन दिमाग में आ रही है, इस पर कुछ बनाओ। तो नदीम बोले, अच्छा चलो सुनाओ। समीर साहब ने कहा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। लाइन सुनकर वो भी बड़े खुश हुए और नदीम ने श्रवण से कहा कि तू ऐसे जरा ना एक रिदम बजा, और फिर खुद गाने लगे बिल्कुल इसी तरह से। बस इतना हुआ कि नदीम ने फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े को फोन किया, भाईजान हम साजन का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो बोले, ये क्या कह रहे हैं आप, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, फिल्म रिलीज पर है, कहाँ गाना करेंगे। नदीम बोले, गाना तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अपने पैसे से कर लेंगे, आप सिर्फ सलमान और माधुरी को बुलाएं, अगर उन्हें ऐसा लगा कि गाना वर्थ है, फिल्म में सूट करेगा, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर नहीं तो हम किसी और फिल्म के लिए किसी और को दे देंगे। अब ये बात सुधाकर बोकाड़े को भी जच गई। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग की सब तैयारी कर ली गई और सलमान ने इस गीत को सुनते ही कहा कि आज के आज टिकट बुक करो, कल उठी जाएंगे, ये गाना शूट करेंगे, ये गाना तो मुझे ही चाहिए। और अगली सुबह डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा और कास्ट एंड क्रू जो था वो सारा गाना शूट करके शाम को वापस भी आ गया और ये गाना हुआ साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसमें आवाजें थी अलका याग्निक और SP बाला सुब्रमण्यम साहब की। इस फिल्म में डिफरेंट वर्जन्स को मिलाकर कुल 10 गाने थे जिसमें अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास जी ने भी अपनी आवाजें दी थी। इस फिल्म से जुड़ी एक और खास बात बताऊं, इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक इन दोनों ने एक साथ गाने की शुरुआत की थी, यानी कि इनका जो पहला डुएट था वो इन्होंने इसी फिल्म के लिए गाया था, साजन फिल्म के लिए। गीत था, मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, जहाँ ये सच है कि फिल्म आशिकी से नदीम श्रवण को भरपूर सफलता मिली और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री पर इन्होंने राज किया, वहाँ ये भी सच है कि इन्होंने 17 साल स्ट्रगल किया था। 1973 से काम शुरू किया था और आशिकी आई थी 1990 में। इस बीच कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आती तो दिन रात एक कर दिया करते। 21 फिल्म्स का म्यूजिक दिया था इसी बीच में, लेकिन शायद वक्त भी सही वक्त का इंतजार कर रहा था जो 1990 में फिल्म आशिकी के साथ आया। और फिर फिल्म्स जैसे सड़क, दीवाना, साजन, परदेश, जीत, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, कसूर, राज, दिल है के मानता नहीं, बरसात, फूल और कांटे और ढेर सारी, इतना काम और वो धुने जो दिल तक पहुंचे, ये कोई इत्तफाक नहीं था। इनकी मेहनत, इनका जुनून, अच्छा काम करने की चाहत होगी
जिसने इन्हें और म्यूजिक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमर कर दिया। मैंने इनकी कुछ फिल्म्स के नाम लिए हैं, आपको कुछ और याद आए तो कमेंट्स में लिखिएगा।